और चलिए अब आपको जल्दी से चुनाव अपडेट के जरिए बता देते हैं आज किस किस की कहां रैली है। चुरू में प्रधानमंत्री मोदी की आज जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में एनडीए 400 पार का नारा भी दिया जाएगा। हरिद्वार में जेपी नड्डा की रैली है और रोड शो भी है। यहां पर बागपत की बात करें तो अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली है। मंडला जबलपुर में सीएम मोहन लाल शर्मा का प्रचार है और वहीं अलीगढ़ अमरोहा मुरादाबाद की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर जुटेंगे प्रचार के लिए। आपको वही बाराबंकी की बता दें तो यहां पर ब्रिजेश पाठक का चुनाव प्रचार है जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भूपेंद्र चौधरी वोट मांगेंगे जिनके ऊपर कमान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दिल्ली भाजपा का सांस्कृतिक पर्व उत्सव भी है। तो कुल मिलाकर ये बड़े बड़े कार्यक्रम आपको बता रहे हैं आज जारी होगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होगा जिस पर सभी की निगाहें हैं कि किस तरीके के वादे किए जाएंगे, किस तरह का संकल्प लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर क्या है वो आपको बताएंगे दीपेश। तो संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार के मुद्दे पर ममता सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में संदेश खाली को महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया है। कूच बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में कहा, संदेश खाली के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा, उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। संदेश खाली की महिलाओं को यह मोदी का सबसे बड़ा वादा है। शैतानों की अब शामत आने वाली है क्योंकि मोदी ने हुंकार भरी है और अब ममता के शागिर्द रहे शेख शाहजहां जैसे आरोपियों की मुश्किल बढ़ना तय है। क्योंकि बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों पर डबल प्रहार हो रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया तो दूसरी ओर कलकत्ता हाईकोर्ट है। तभी तो कोर्ट ने एक बार फिर बंगाल की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख लहजे में ममता सरकार को लताड़ते हुए कहा कि संदेश खाली का मामला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर वहाँ की पीड़िताओं के आरोपों में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी इसके लिए जिम्मेदार है। नैतिक तौर पर 100% ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने कड़ी फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि आप SC ST नेशनल कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें अगर 1% भी सच्चाई है तो भी 100% शर्मनाक सरकार का ये कृत्य है। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और ममता सरकार की घेराबंदी के बीच पीएम मोदी भी बंगाल के कूच बिहार में थे जहां उन्होंने आश्वासन दिया और संदेश खाली के शैतानों को कड़ी सजा दिलाने का ऐलान कर दिया। मोदी ने साफ कर दिया कि दोषियों की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा, उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। मोदी ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ देने के लिए हुंकार भर रहे थे तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले में ईडी की ओर से पैरवी कर रहे केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने ममता सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय एजेंसियां जांच को आखिर कैसे आगे बढ़ा पाएंगी। इस मामले में जनहित याचिकाकर्ता के वकील ने भी गवाहों को सुरक्षा देने की मांग की है और दावा किया कि सुरक्षा कारणों से कोई भी महिला अदालत में गवाही देने के लिए आगे नहीं आ पाई और इसके पीछे की वजह एक अन्य याचिकाकर्ता की वकील और बीजेपी की नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने बताई और दावा किया कि संदेश खाली की ज्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। ईमेल तो भूल जाइए, वो खत भी नहीं लिख सकती। इस मामले में 500 से ज्यादा महिलाओं ने हमसे शिकायत की है कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उन्होंने बकायदा एफिडेविट दिए हैं।
पीड़ित महिलाओं ने दावा किया है कि एक शाहजहां तो गिरफ्तार हो गया मगर उसके 1000 साथी गांव में घूम रहे हैं। वो शाहजहां के खिलाफ ना बोलने के लिए पीड़ित महिलाओं और उनके परिवार वालों को खुलेआम धमका रहे हैं। आप सांसद सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बदायूं में जनसभा को संबोधित कर चेतावनी दी, कहा वोट दो नहीं तो हिसाब किताब भी होगा। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे। अब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। कांग्रेस पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने हमला किया और कहा कांग्रेस प्रत्याशी बार बार सीट बदल रहे, कोई कह रहा है मुझे ऐसे ही उतार दिया, कोई कह रहा है कि मुझे जबरन टिकट दे दिया। ये तो कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कहीं वो कह रहा है कि मेरे को तो वैसे ही खड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाहता था। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस पर सीएम भजनलाल ने किया जुबानी हमला, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, मोदी पर देश की जनता को भरोसा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस आज जारी कर सकती है चुनावी घोषणा पत्र। शरद पवार गुट ने जारी किया उम्मीदवारों का नाम, बारामती से सुप्रिया सुले लड़ेंगे चुनाव, सुप्रिया सुले का मुकाबला अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होगा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी और कहा जल्द मिलेंगे बाहर, पिछले एक साल में सबकी याद आई। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड़ ने अजीत पवार पर टिप्पणी की, कहा कार्यकर्ताओं को सत्यानाश करने का अजीत ने किया काम। रिपब्लिक भारत से बातचीत में संजय निरुपम ने कांग्रेस को बताया दिशाहीन और कहा आने वाले दिनों में पार्टी में बचेंगे सिर्फ 4 से 5 लोग। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है दिल्ली से लेकर मुंबई तक वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा रह जाएगा कि 2-4-5 लोग ही कांग्रेस पार्टी में रह जाएंगे और बाकी सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। कांग्रेस पर संजय निरुपम का तीखा प्रहार, कहा दिशाहीन कांग्रेस में 5 पावर सेंटर, अघाड़ी ने खिचड़ी चोर को बनाया उम्मीदवार। 5 लॉबी चल रही है, वो 5 लॉबी एक पॉलिटिकल ताकत एग्जर्ट करने के लिए तो काम करते हैं, उसमें लूटपाट भी हो रही है। महाविकास अघाड़ी पर संजय निरुपम का हमला, कहा एमवीए में कुछ भी स्थिर नहीं है, यूबीटी ने दूसरों को सूचित किए बिना घोषित कर दी है सूची, एमवीए के पार्टियों में नहीं हुआ कोई तालमेल। किसी प्रकार की आपस में सहमति नहीं है, एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे के जो पॉलिटिकल वो है पॉलिटिकल जो अपने जरूरतें हैं उसका कोई सम्मान नहीं है। और रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने पर बोले संजय निरुपम, कहा वाड्रा जैसे पहले की पार्टी में बहुत लोग जिन्होंने पार्टी को बनाया दिशाहीन। रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं, तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। संजय निरुपम ने कांग्रेस